वृंदावन आई ना, वृंदावन, और पहली बार जब मीरा वृंदावन आई तो यहां पर श्री वल्लभाचार्य जी का बहुत नाम सुना मीरा ने। वल्लभाचार्य परंपरा के कोई आचार्य के बारे में मीरा ने सुना, तो शाम के समय मीरा वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए गई, तो दरवाजे पर शिष्यों ने रोक दिया कि प्रवेश नहीं होगा। मीरा ने कहा क्यों, तो वल्लभाचार्य के शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते, किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते। अच्छा, मीरा की बात सुनकर के वल्लभाचार्य जी को मिलना पड़ा। पता है क्या कहा मीरा ने, मीरा ने कहा महाराज आप अपने गुरुजी से इतना भर कह दीजिएगा, और मैं तुमसे भी कहती हूं कि मैंने तो सुना था ब्रज में केवल एक ही पुरुष है कृष्ण कन्हैया, बाकी तो ब्रज में सब गोपियां हैं, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया। इतनी बात सुनते ही वल्लभाचार्य जी दौड़े दौड़े चले आए, और आकर के वल्लभाचार्य जी ने मीरा को मिले। भैया मेरे माई बाप गोपियां सिवा श्री कृष्ण के किसी को स्वीकार नहीं करते। अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए, ये अघट प्रेम है मेरे माई बाप। सच्चा और अच्छा भक्त वही है जिसे अपने आराध्य के अलावा कोई दूसरा दिखाई ना दे। परम पूज्य अनंत श्री विभूषण मलुकपीठ वाले महाराज जी परसों सुबह एक बात कह रहे थे बहुत ऊंची। क्या कह रहे थे महाराज जी? कह रहे थे कि आप मानो एक को, लेकिन अगर अनेक जगह जाना पड़े तो उन अनेक में भी अपने एक आराध्य के ही दर्शन करो। कितनी अच्छी बात, हम राम कथा भी करते, कृष्ण कथा भी करते, हनुमान कथा भी करते, और हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, तो हमें कथा तो केवल हनुमान जी की करनी चाहिए कि नहीं? ये कृष्ण कथा क्यों करें? ना 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 ना, मानते तो हम एक को हैं, लेकिन हमको तो भगवान कन्हैया की नटखटपन में भी कभी अपने हनुमान जी की चंचलता दिखाई पड़ती है। इसलिए माई बाप सच्चा और अच्छा भक्त वही है जो अपने इष्ट के अलावा किसी दूसरे को ना पुकारे। तो उद्धव ने भगवान कृष्ण के वस्त्र पहने, आहा, रथ को लिया, मोर पंख लगाया, वृंदावन गए। कहा उद्धव ने मोहन से, मैं जाऊंगा वृंदावन, देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा अनूठा रंग दिखलाया। बिटप झुक झुक कर कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा पूछता था पीह कहां है ये तो बतलाओ। आहा, वृंदावन गए। एक बात बोले, हे प्रेम जगत में सार, हे प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। भगवान का प्रेम ही सार है। उद्धव जब श्री राधा रानी जी के पास आए, गोपियों को देखा, तो कांटों में उद्धव के कपड़े उलझने लगे, उलझ कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उलझ कांटे लगे उद्धव को ये समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव बड़े ज्ञानी बनकर आए, तुम्हारा ज्ञान धरा रह जाएगा, हुआ भी वही। भगवान श्री कृष्ण के लिए अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया उद्धव, दूसरा कोई है ही नहीं, अद्वैत दूसरा कोई है ही नहीं।
केवल कृष्ण सर्वत्र हैं ऐसा ज्ञान दिया उद्धव ने। राधा जी बोली हमें तो भ्रांति है। उद्धव जी बोले नहीं नहीं कोई भ्रांति नहीं। राधा जी बोली कहीं आपको तो भ्रांति नहीं है कि कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा नहीं। उद्धव जी बोले हमें ज्ञान पर भरोसा है, भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं इस दुनिया में, भगवान ही जीवात्मा है, भगवान ही परमात्मा है। राधा जी बोली तब तो जय हो। बोले क्यों? तो श्री राधा जी बोली जो है अद्वैत के कायल, फिर क्यों द्वैत लेते हो? जो है अद्वैत के कायल फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला ब्रह्म होकर तुम दूसरे ब्रह्म को ज्ञान देते हो? अगर एक ही है तो हम भी ब्रह्म है और तुम भी ब्रह्म हो, पर एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को ज्ञान क्यों दे रहा है जब सब एक ही है? वहीं इनका ज्ञान धरा का धरा रह गया। बोले ये तो हमने सोचा ही नहीं था। राधा जी बोली तो भाई ऐसा भी सोच लेना चाहिए। तो गए थे ज्ञान ज्ञान का पाठ पढ़ाने, लेकिन ब्रजांगनाओं से आ गए वह भक्ति और प्रेम का पाठ पढ़ करके। अंत तो गत्वा उद्धव कहते हैं कि भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान के जो भक्त हैं वही भगवान हैं और भगत के बस में है।